स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपी खबर जानकारी न्यूज में। चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार ताजा और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए सभी बड़े ऐलानों को। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी एक लाइक जरूर कर दी। उत्तर प्रदेश प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 41 आईपीएस, 44 एएसपी और 4,350 सिपाही अभेद्य हुई अयोध्या ब्लैक कैट कमांडो भी रखेंगे चप्पे चप्पे पर नजर। जी हां, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रामनगरी पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में आ चुकी है। सुरक्षा इतनी जोरदार है कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। अयोध्या के आसमान से लेकर जमीन की हर कोनी पर खुफिया दस्तों के अलावा एनएसजी के स्पाइनर ब्लैक कैट कमांडो मुस्तैद रहेंगे। साथ ही दो एंट्री ड्रोन सिस्टम को तैयार कर दिया गया है, कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर तुरंत कार्रवाई कर अनहोनी की हर मंशा को नाकाम कर दिया जाएगा। अयोध्या और उसके आसपास के जिलों को चारों ओर से ऐसा घेरा बना दिया गया है कि कहीं से भी कोई खुराफाती तत्व मंसूबों को अंजाम नहीं दे सकेगा। उत्तर प्रदेश में छोटे उद्योगों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, कृषि भूमि के परिवर्तन की फीस माफ। जी हां, योगी सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को कृषि भूमि परिवर्तन शुल्क में छूट देकर भारी राहत प्रदान की है। विकास प्राधिकरण के दायरे में कृषि भूमि को औद्योगिक में परिवर्तन कराने पर अब शुल्क नहीं देना होगा। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश अमित मोहन प्रसाद ने इसको लेकर सूबे के सभी डीएम को पत्र जारी कर दिया है। अभी तक विकास प्राधिकरण के दायरे में कृषि भूमि के परिवर्तन पर जमीन के कुल मूल्य का 30% शुल्क लगता था। अब उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत विकास प्राधिकरणों के तहत स्थापित होने वाली एमएसएमई इकाई को भू परिवर्तन शुल्क में छूट प्रदान की जा रही थी। उत्तर प्रदेश अयोध्या में बन रहा रेत शिल्प का विश्व रिकॉर्ड, प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी पहुंचे सीएम योगी ने ली सेल्फी। जी हां, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पूरी तरह से अलौकिक अद्भुत दिख रही है। लता चौक से लेकर राम मंदिर तक भव्य तरीके से साजो सज्जा चल रही है। जगह जगह पर आकृतियां भी बनाई गई है। इसके अलावा अयोध्या में रेत शिल्प पर रामकथा की कृतियां उकेरी गई, जिसे खासा पसंद किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेत शिल्प कलाकार पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने इस कृति को उकेरा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया की ओर से रेत शिल्प कलाकार को आज रात इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। 4,000 और स्कूलों को पीएम श्री में तब्दील करने की मिलेगी मंजूरी, जनवरी के अंत तक हो सकता है ऐलान। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप संवारने और प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम दो सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में तैयार करने की पहल तेजी से बढ़ निकली है। ऐसे में इसे लेकर शुरू की गई पीएम श्री स्कीम के तहत 4,000 और सरकारी स्कूलों को इस महीने के अंत तक इनमें शामिल किया जा सकता है। फिलहाल इसकी तैयारी पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोली अनुपुरिया पटेल, पूरे देश में 2 करोड़ महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति दीदी। जी हां, बता दें आपको कि मिर्जापुर में विकास खंड पहाड़ी के चपहगना में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित चौपाल में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कोटवा में पीएम सीएम आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, आवास की प्रतीकात्मक चाबी तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान, उज्ज्वला, राशन कार्ड, पेंशन, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत नए लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और कार्ड वितरित किए। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव में आ गई है। उन्होंने योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों को चौपाल में विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉल पर पहुंचकर पंजीकरण कराने का आग्रह किया ताकि योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पूरे देश में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर पर 3 दिनों तक होगी हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश, अयोध्या पहुंचे पूर्व पीएम देवगौड़ा और सिंगर सोनू सूद। जी हां, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में पूरी तैयारी हो चुकी है। पीएम मोदी के आगमन से पहले ही अयोध्या पूरी तरह से अभेद्य हो गई, जगह जगह पर फोर्स तैनात है, जैसा कि हमने आपको बताया है। वहीं दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए राजनीति, उद्योगपति और फिल्म जगत से जुड़े लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं आज पूर्व पीएम एचवी देवगौड़ा, पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के अलावा फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, साउथ सुपरस्टार रजनीकांत, फिल्म निर्देशक सुभाष घई, सिंगर सोनू निगम भी पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बरेली प्रशासन अलर्ट, शांति भंग करने वालों पर लगेगा राशुका। जी हां, अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बरेली में आज कई समारोह आयोजित किए गए हैं। शाम के समय से ही राम गंगा तट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। इस बीच इन सभी आयोजनों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बरेली में आज सुबह से लेकर शाम तक होने वाले कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा बल जगह जगह तैनात किए गए हैं। शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई होगी। ड्रोन, कैमरा, ड्रग स्क्वाड और खुफिया
मीडिया तंत्र सक्रिय है। सोशल मीडिया पर पुलिस की भी पैनी नजर है। यूपी हर विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या होगी सपा की रणनीति, 26 जनवरी से चलेगी पीडीए वाला दाव। जिया समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से जुट गई है। पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के बलबूते अगले लोकसभा चुनाव में कामयाबी हासिल करने की जुगत लगा रही समाजवादी पार्टी इस रणनीति को आगे बढ़ाते हुए आगामी 26 जनवरी से उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पीडीए पखवाड़ा का आयोजन करेगी। उत्तर प्रदेश में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जमीन से आसमान तक उल्लास। 5 राज्यों के 15 एयरपोर्ट पर पार्क होंगे प्लेन। जी हां, अयोध्या में आज होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उल्लास जमीन से आसमान तक है। अब बड़ी संख्या में अति विशिष्ट अतिथियों के आगमन को देखते हुए 1000 किलोमीटर के दायरे में 5 राज्यों के 15 एयरपोर्ट पर विमान पार्किंग की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सूत्रों के अनुसार लखनऊ के साथ कानपुर, वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर, रायबरेली, फुर्सतगंज, देहरादून, पटना, गया, देवघर, खुजराहो, भोपाल, इंदौर को विमान पार्किंग के लिए चिन्हित किया गया है। वैसे आप यूपी के किस जिले से खबर को देख रहे हैं, कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार विरोधी नारी और तख्तियां नहीं दिखा सकेगा विपक्ष, नई नियमावली पर लगी रोक। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के मौके पर इस बार नजारा बदला हुआ होगा। इसकी वजह है विधानसभा की नई नियमावली। इसकी परख अब इसी मौके पर होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्य अमूमन कागज के गोले फेंकने व सरकार विरोधी नारे दिखे बैनर पर तख्तियां लेकर अपना विरोध जताते हैं। नई नियमावली में इस बार रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में इन बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात, बदले नियम, जाने क्या होगा आपको लाभ। जी हां, भारत सरकार ने उद्यमियों और 10 से 25 मेगावाट तक बिजली पैदा करने वाले लोगों की ग्रिड तक बिजली पहुंचाने की जटिलताओं को समाप्त कर दिया है। ये लोग ग्रिड से जोड़ने के लिए अपना समर्पित ट्रांसमिशन लाइन बिछा सकेंगे। इसके लिए अब किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। वहीं ओपन एक्सेस से बिजली लेने वाले उद्यमियों के लिए ओपन एक्सेस की दरों में भी कमी आएगी। बता दें कि ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने नियमावली में इन व्यवस्थाओं को शामिल कर दिया है, जिसमें समर्पित ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। लाभ यह होगा कि उद्योग तेजी से नवीनीकरण ऊर्जा अपनाएंगे और रोजगार के नव अवसर सृजित होंगे। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा ने तेज की तैयारी। मायावती ने हर दिन चौपाल लगाने का दिया निर्देश। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की तैयारी तेज कर दी है। उन्होंने आज पार्टी कार्यालय में यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिया है कि रोज हर विधानसभा क्षेत्रों में चौपाल लगाई जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र के 2 सेक्टरों को इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने इसके साथ ही योग्य और जिताऊ उम्मीदवारों के चयन के निर्देश जोनल प्रभारियों को दिए हैं। उत्तर प्रदेश में व्हाट्सएप पर साइबर अपराध और धोखाधड़ी के खिलाफ एडवाइजरी। गृह मंत्रालय के थिंक टैंक ने यूजर्स को किया अलर्ट। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले पुलिस थिंक टैंक ने व्हाट्सएप पर साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ एडवाइजरी और चेतावनी जारी की है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने ऐसी 7 प्रकार की धोखाधड़ी की पहचान की है, जिसमें मिस्ड कॉल, वीडियो कॉल, नौकरी की पेशकश, निवेश योजनाओं के नाम पर धोखाधड़ी, पहचान बदलकर जालसाजी, सेंधमारी और स्क्रीन साझा करना शामिल है। 8 पन्ने की एडवाइजरी और चेतावनी में कहा गया है कि हाईजैकिंग मामले के जालसाज पीड़ित के व्हाट्सएप खाते तक अनधिकृत पहुंच बना लेते हैं और उनके संपर्कों से पैसे का अनुरोध करते हैं, तो आप भी ऐसे लोगों से सावधान रहें। उत्तर प्रदेश यमुनोत्री हाईवे के लिए 346 करोड़ मंजूर, डबल लेन बनाने का रास्ता साफ। जी हां, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तराखंड चार धाम यात्रा पर यमुनोत्री हाईवे के लिए बजट मंजूर हो गया है। यमुनोत्री हाईवे पर हरबतपुर से बड़कोट तक की सड़क के एक हिस्से को डबल लेन बनाने का रास्ता साफ हो गया है। आज सुबह 10:25 पर अयोध्या आगमन, 12 के बाद प्राण प्रतिष्ठा, पीएम मोदी का रहा पूरा शेड्यूल। जी, अयोध्या के राम मंदिर में 12 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। आज वह रामनगरी में 5 घंटे तक रहेंगे और शुभ समारोह व सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरह तैयार हैं और पहले से ही 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। इससे बिस्तर छोड़कर फर्श पर सोना और नारियल पानी सेवन करने जैसे नियम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश फरार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर कसेगा शिकंजा, प्रॉपर्टी कुर्क करने की चल रही तैयारी, अगली सुनवाई 30 को। जी हां, बहुचर्चित राहुल मद्देशिया अपहरण केस में एक बार फिर से पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी एमपी एमएलए अदालत में शनिवार को हाजिर नहीं हुए। इसकी अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी और आज ये फैसला किया गया है कि अपहरण के केस में फरार चल रहा पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के मामले में सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फरार आरोपी की संपत्ति की कुर्क के लिए लखनऊ के सब रजिस्ट्रार
चार द्वितीय सदर की आख्या में पेश की है, जिसमें 450 वर्ग मीटर भूखंड विक्रांत खंड में 1,18,80,000 रुपए कीमत की आंकी गई है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का सख्त रुख, पार्कों और पार्किंग क्षेत्रों में अवैध कब्जा पर करना पड़ेगा भारी। जी हां, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने अवैध कब्जा के लिए सख्त अख्तियार किया है। शहरों में पार्कों और पार्किंग क्षेत्रों में अवैध कब्जा करना अब लोगों को भारी पड़ेगा। नगर निकाय विशेष अभियान चलाकर ऐसे अतिक्रमण को हटाएगा। इसके साथ मलबा उठाने और अतिक्रमण हटाने के नाम पर होने वाले खर्च को ऐसे लोगों से बतौर क्षतिपूर्ति वसूला जाएगा। बता दें कि नगर विकास विभाग ने निकायों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दे दिया है। मोदी के पीएम बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जगा, मैं उनका प्रशंसक। जिया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सवाल खड़े करने वाले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मीडिया दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह एंटी मोदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के कई कदमों का उन्होंने भरपूर समर्थन किया है। शंकराचार्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुओं का स्वाभिमान जागृत हुआ है। पीएम मोदी की तरह हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में खड़ा रहने वाला प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में चुनावी ड्यूटी को लेकर अभी से किचकिच, शिक्षक बोले धमका रहे हैं सीडीओ। जी, चंद महीने बाद होने जा रहे लोकसभा चुनाव ड्यूटी को लेकर अभी से किचकिच होने लगी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों के शिक्षक के संघ ने जिले के मुख्य विकास अधिकारी पर शिक्षकों के अपमान करने और धमकाने का आरोप लगाया है। ओक्टा ने आपात बैठक कर घटना की निंदा की। बैठक में तय हुआ कि मामले की शिकायत मुख्यमंत्री, सांसद और सूबे के बड़े अधिकारियों से करेंगे। उत्तर प्रदेश राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या 4 लेन बंद, पैदल जाने पर भी पाबंदी, जगह जगह रोके जा रहे हैं लोग। जी हां, आज होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर रात 8 बजे से ही अयोध्या जाने पर रोक लगा दी गई। यह रोक 23 जनवरी तक रहेगी। उधर आम लोगों ने पैदल ही अयोध्या की तरफ का रुख कर दिया। यह सब देखकर पुलिस को अपील करना पड़ रहा है कि 23 जनवरी तक कोई अयोध्या न आए। जो लोग निकल गए हैं उन्हें जगह जगह रोक कर लौटाया जा रहा है। एडीजी जोन डॉक्टर केएस प्रताप कुमार पूरे मामले पर निगरानी रखे हुए हैं। असम में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की, सुरक्षा कर्मी भीड़ से बचाते हुए बस में ले गए। जयराम रमेश की कार पर पानी फेंकने का आरोप। जी, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज असम में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई। राहुल को बचाते हुए एक बार फिर से उनके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बस के अंदर वापस ले गए। घटना के दौरान राहुल गांधी का काफिला सोनितपुर में था। राहुल ने घटना को लेकर कहा कि आज बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेकर हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। हमारे जितने पोस्टर फाड़ने हैं फाड़ दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से डरते नहीं, और न ही नरेंद्र मोदी से, न असम के मुख्यमंत्री से। उत्तर प्रदेश में नहीं कटेगी लाइट, यूपी में 24 घंटे बिजली की सप्लाई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन आज जगमग हो रहा है शहर। जी, बता दें कि श्री राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आज हर कोई आहुति देना चाहता है। जहां जिसे जो भी अवतार मिल रहा है वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनना चाह रहा है। बता दें कि भव्य दिव्य इस अखंड आयोजन में यूं तो मुख्यमंत्री स्तर से प्रदेश भर में चिपिंग फ्री बिजली आपूर्ति दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके अभियंता संघ ने सभी अभियंताओं से अपील की है कि वे और ऊर्जा के साथ इस अवसर पर कड़ी मेहनत कर बेहतर बिजली आपूर्ति कर प्रदेश को दूध या रोशनी से नहला दें। वहीं आज श्री राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए देश भर से राम भक्त अपने अपने श्रद्धा से मंदिर के लिए कुछ न कुछ भेज रहे हैं। प्रदेश भर को सजाया गया है और आज 24 घंटे बिजली सप्लाई रहेगी। उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी को आएगा योगी सरकार का बजट, इस दिन भी होगा सदन की कार्यवाही। जी हां, बता दें कि प्रदेश सरकार इस बार 5 फरवरी को वर्ष 2024 और 25 का बजट सदन में पेश करेगी। बजट का आकार लगभग 7,50,00,000 का होने वाला है। विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा व विधान परिषद सचिवालय ने आज सत्र बुलाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार शनिवार को भी सदन में कार्यवाही जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। जी, अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल से आने वाले लोगों और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। वही परंपरागत व पगडंडी रास्तों पर भी सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। एडिशनल एसपी महाराजगंज अतीश कुमार सिंह ने जानकारी दी कि इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में 40 जांच पॉइंट बनाए गए हैं। बॉर्डर पर एसएसबी की जांच के बाद पुलिस भी नेपाल से आने वाले लोगों की जांच कर रही है। खुफिया एजेंसियों को भी सक्रिय कर दिया गया है।
होटल व अन्य स्थलों पर ठहरे लोगों की जांच पड़ताल कराई जा रही है। वहीं नेपाल से आने जाने वाले सभी वाहनों की एंट्री करने के साथ जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। पगडंडी रास्तों पर गश्त तेज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सिद्धार्थनगर में आज SSB की 66वीं वाहिनी के कमांडेंट जगदीश ने सलहंतपुर ककराहवा बॉर्डर तक का जायजा लिया। महाराजगंज के SP सोमेंद्र मीणा ने भी जानकारी दी कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर आगामी गणतंत्र दिवस तक जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग कराएगी केंद्र सरकार। घुसपैठ रोकने के लिए फ्री मूवमेंट बंद होगा। दोनों देशों के बीच 1600 किमी लंबा बॉर्डर। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह असम में ऐलान किया है कि भारत म्यांमार बॉर्डर पर खुली सीमा की फेंसिंग की जाएगी। म्यांमार से भाग कर आ रहे आतंकियों और घुसपैठ को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट को भी सरकार बंद करने जा रही है। शाह ने गुवाहाटी में हुई असम पुलिस की पासिंग आउट परेड में कहा कि म्यांमार के साथ हमारी खुली सीमा है, इसे हम बांग्लादेश की तर्ज पर बाड़ यानी फेंसिंग लगाकर सुरक्षा करेंगे। शाह ने ऐलान भी किया कि सरकार दोनों के बीच फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट पर भी पुनर्विचार कर रही है। आने जाने की सहूलियत को ही सरकार बंद करने जा रही है। बता दें कि म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है और दोनों देशों के बीच 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है। रामोत्सव 2024 रामनगरी पहुंच गए हैं सीएम योगी, तैयारियों का लिया है जायजा। संघ प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का फाइनल निरीक्षण किया और अयोध्या की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला व हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किए। वहीं मुख्यमंत्री ने संघ कार्यालय साकेत निलयम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इसके बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया, फिर श्री राम मंदिर गए और यहां की तैयारियों को देखा। मुख्यमंत्री कार सेवक पुरम भी गए, यहां तीर्थ क्षेत्र की तरफ से बनाई गई टेंट सिटी का अवलोकन किया। उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री स्वाति सिंह के खिलाफ वारंट जारी, 2016 में दर्ज हुआ था मामला। जी हां, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने के मामले में आरोपी बनाए गए बसपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अतर सिंह राव और नौशाद अली के मामले में गवाही देने के लिए हाजिर न होने पर पूर्व मंत्री स्वाति सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तारीख तय की है। साथ ही बताते चले कि इस घटना की रिपोर्ट पूर्व मंत्री स्वाति सिंह की सास और परिवहन मंत्री दयाशंकर की मां तेतरा देवी ने 21 जुलाई 2016 को हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी। उत्तर प्रदेश अयोध्या के लिए रोडवेज बस सेवा 4 दिन स्थगित, लखनऊ तक हो रहा है संचालन। जी हां, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से 2 दिन पहले ही अयोध्या के लिए रोडवेज बस सेवा को स्थगित कर दिया गया है। आज ही बरेली से अयोध्या जा रही रोडवेज बसों को लखनऊ से वापस कर दिया गया। अब अयोध्या बस सेवा 24 जनवरी से शुरू होगी। वहीं प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले लखनऊ से अयोध्या तक VVIP मूवमेंट शुरू हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर अयोध्या की सीमाओं को सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश प्राण प्रतिष्ठा की कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों के लिए अलग से व्यवस्था, यहां मिलेगा हाई स्पीड वाईफाई और इंटरनेट। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा अयोध्या धाम के रामकथा संग्रहालय में एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक मीडिया केंद्र का निर्माण कर दिया है। यह मीडिया केंद्र 40 मीटर लंबाई 25 मीटर चौड़ाई वाले मुख्य परिसर जिसमें 340 वर्क स्टेशन व 1000 पत्रकारों की क्षमता के साथ लगभग 13,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। बता दें कि इस अत्याधुनिक केंद्र में मीडिया क्षेत्र के लोगों के लिए एक संवाददाता सम्मेलन कक्ष, मीडिया ब्रीफिंग कक्ष जैसी तमाम सुविधाओं में लैपटॉप, फोटोकॉपियर, प्रिंटर निरंतर एवं भोजन की भी उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मीडिया केंद्र में प्रधानमंत्री द्वारा श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा प्रसारण देखने की सुविधा के लिए 2 9 फीट लंबे और 16 फीट चौड़े LED टीवी भी लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भगवा झंडे लगाने के विरोध पर हंगामा, आमने सामने आए दुकान वाले, पुलिस पहुंची तो मुस्लिम दुकानदार ने किया ये काम। जी हां, बता दें कि मेरठ में लाल कुर्ती के PL शर्मा रोड पर भगवा झंडे लगाने के विरोध पर दुकानदार आमने सामने आ गए। वहीं मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी पहुंच गए। हंगामे की सूचना पर पहुंची लाल कुर्ती पुलिस के समझाने के बाद मुस्लिम दुकानदारों के माफी मांगने के बाद मामला शांत हुआ। आज बता दें कि सैमसंग गैलेक्सी के मालिक संजय गोयल के नेतृत्व में PL शर्मा रोड पर दुकानदार भगवा झंडे लगा रहे थे, जब ये सोनू मलिक की दुकान के सामने पहुंचे तो उसने
ने दुकान के सामने झंडा लगाने पर विरोध कर दिया, जिसके बाद दोनों समुदाय के दुकानदार आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों की कहा सुने के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के अंकुश चौधरी भी साथियों संग पीएल शर्मा रोड पर पहुंचे, जहां पदाधिकारियों ने हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी इंदु वर्मा ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया, तब मामला शांत हुआ। उत्तर प्रदेश में शीतलहर जारी, अगले चार दिन तक नहीं निकलेगी धूप, छाएगा घना कोहरा। जी हां, उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल अगले चार दिन मौसम में किसी खास बदलाव के आसार नहीं है। इन चार दिनों के दरमियान प्रदेश में कहीं बहुत घना और कहीं घना कोहरा छाया रहेगा, धूप नहीं निकलेगी, कुहासा बना रहेगा। खबरों में आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दे।